खबरों में बढ़ेंगे आगे, जहां हरियाणा कांग्रेस की टिकटों को लेकर के ये बड़ी अपडेट सामने आई है। पुख्ता सूत्रों से ये जानकारी मिली है, जहां कांग्रेस के 59 उम्मीदवार तय हुए हैं। सीसी ने की हरी झंडी, विधानसभा सीटों पर अभी चर्चा जारी रहेगी। गठबंधन होने पर 31 में से कुछ सीटें, 28 विधायकों में से 27 की टिकट कंफर्म मानी जा रही है। एक टिकट परिवार के सदस्य को मिलेगी। तो ये बड़ी खबर आपको बता दे, कांग्रेस के टिकट को लेकर के ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। हरियाणा कांग्रेस की टिकटों को लेकर के ये बड़ी खबर आपको बता दे, तो गठबंधन को लेकर के भी बातचीत, जहां मौजूदा 27 में को मिलेगी कांग्रेस की टिकट, तो ये बड़ी खबर आपको बता दे। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। इस सबसे बड़ी बात, जो गठबंधन को लेकर के अटकलें यहां पर काफी ज्यादा तेज नजर आ रही हैं, और यहां सीट बंटवारे को लेकर के भी चर्चाओं का दौर जो है वो देखने को मिल रहा है। जहां आम आदमी पार्टी से गठबंधन को लेकर खबरें काफी ज्यादा तेजी से चल रही है। हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों के लिए 5 अक्टूबर को देखिए मतदान होना है। सभी पार्टियां रणनीति बनाने और कैंडिडेट का नाम फाइनल करने में पूरी तरह से जुटती नजर आ रही है, लेकिन सभी की नजर जो है वो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के संभावित गठबंधन पर है। इस गठबंधन को लेकर दोनों पार्टियां लगातार बैठकें कर रही हैं, कई राउंड की मीटिंग हो चुकी है, लेकिन सीटों के बंटवारे को लेकर पेच फंसा हुआ है। विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया के चुनाव लड़ने की भी चर्चाएं तेज हैं। इस सबके बीच देखिए, सूत्रों के हवाले से जो खबर सामने आई वो ये कि आम आदमी पार्टी हरियाणा में 10 सीटों की मांग कर रही है, जबकि कांग्रेस 7 सीटों का ऑफर दिया गया है कांग्रेस की तरफ से। आम आदमी पार्टी सूत्रों का कहना है कि उन्होंने लोकसभा चुनाव में 1 सीट लड़ी थी और इस लोकसभा क्षेत्र में 9 विधानसभा सीट आती हैं, और इस आधार पर आप चाहती है कि उसे विधानसभा में 10 सीटें दिया जाए। आम आदमी पार्टी के सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस के 7 पार्टी नेताओं की 3-5 राउंड की बातचीत हुई है। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने आपके राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा के साथ बैठक की। अब माना जा रहा है कि वेणुगोपाल कल भी आप सांसद के साथ बैठक कर सकते हैं। आम आदमी पार्टी के सूत्रों का कहना है कि गठबंधन पर आखिरी फैसला अरविंद केजरीवाल करेंगे। खबर है कि केसी वेणुगोपाल राघव चड्ढा के बीच तीसरे चरण की मुलाकात भी संभव है, और ये मुलाकात आज ही के दिन हो सकती है। हरियाणा में आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन की संभावनाओं को देखने के लिए कांग्रेस ने कमेटी का गठन भी किया है। यह कमेटी राज्य में गठबंधन को संबंधित तमाम पहलुओं को देखेगी, पार्टी हाईकमान को एक रिपोर्ट सौंपेगी। इस रिपोर्ट के आधार पर संभावित रूप से तय होगा कि आपको राज्य विधानसभा चुनाव में कितनी सीटें दी जा सकती है। वहीं हरियाणा में 90 सीटों पर होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर के कांग्रेस इलेक्शन कमेटी की बैठक भी हुई। वहीं साउथ हरियाणा ब्यूरो चीफ गुलशन ग्रोवर हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। गुलशन, कांग्रेस के द्वारा 59 सीटों पर उम्मीदवार उतारने की बात अभी सामने आ रही है, इसके साथ ही साथ आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन की भी खबरें देखने को मिल रही है। देखिए, बिल्कुल, पार्टी और कांग्रेस इस बार हरियाणा विधानसभा का चुनाव गठबंधन में लड़ सकते हैं, क्योंकि इसके लिए एक कमेटी गठित हुई है और वो कमेटी ये फैसला करेगी कि कितनी सीटें आम आदमी पार्टी को दी जा सकती है और कौन कौन सी विधानसभा सीटें जो है आम आदमी पार्टी को दी जा सकती हैं। हालांकि जो हरियाणा कांग्रेस की इकाई है वो गठबंधन लड़ने के हक में नहीं है, क्योंकि उन्होंने जो हाईकमान को रिपोर्ट दी है उस आधार पर उन्होंने ये कहा है कि वो 55 सीटें जीत रहे हैं, इसलिए आम आदमी पार्टी से गठबंधन की जरूरत नहीं है। लेकिन राहुल गांधी के हस्तक्षेप के बाद राहुल गांधी ने ये ड्यूटी लगाई है कि आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, और ऐसे में बीजेपी को हराने के लिए और विपक्ष एकजुट रहे, इसको लेकर के कहीं ना कहीं अब ड्यूटी जो है आम आदमी राहुल गांधी ने लगाई है। तो अब ऐसे में जो कमेटी गठित है आज रिपोर्ट सौंपनी है कि कौन कौन सी सीटें उन्हें दी जा सकती हैं, और लगातार आम आदमी पार्टी के नेताओं की तरफ से भी ये कह दिया गया है कि इसको लेकर के चर्चा चल रही है और जरूर गठबंधन हो सकता है, क्योंकि दीपक बावरिया कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी है, उनकी तरफ से भी
बयान आया है और आम आदमी पार्टी के नेताओं की तरफ से भी ये बयान आया है। तो वैसे में जैसे ही स्थिति स्पष्ट होगी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन की, तो उसके बाद सीटें जो है फाइनलाइज की जाएंगी। जो बताया जा रहा है फिलहाल जो आम आदमी पार्टी है वो 10 सीटें जो है वो मांग रही है, जबकि 5 से 7 सीटों का जो समझौता है वो हो गया है। कांग्रेस हरियाणा ने 5 से 7 सीटें देने का जो फैसला है वो किया है कि हम 5 से 7 सीटें दे सकते हैं। वैसे में असली जो मोहर है वो राहुल गांधी के यहाँ लगनी है और राहुल गांधी ही ये फैसला करेंगे कि कितनी सीटें उन्हें मिलनी है। लेकिन जो आज रिपोर्ट आएगी उस रिपोर्ट के आधार पर ये जानकारी हम दर्शकों को फिर बता पाएंगे कि गठबंधन में आम आदमी पार्टी को कितनी सीटें मिल रही है। लेकिन एक बात ये साफ है कि जिस तरह आपने लोकसभा चुनाव में देखा कि एक साथ जो है गठबंधन से चुनाव लड़ा गया और उसमें कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट से सुशील गुप्ता जो है आम आदमी पार्टी का चेहरा थे, लेकिन वो चुनाव जरूर हार गए थे, लेकिन कांग्रेस ने 5 सीटें जीती थी। और ऐसे में इसीलिए अब जो राहुल गांधी है वो ये जरूर इंडिया गठबंधन को एकजुट करने के लिए उन्होंने ये अब विकल्प के तौर पर आम आदमी पार्टी के साथ जो गठबंधन के साथ चुनाव लड़ने का फैसला किया है, ये इससे जरूर जो है आने वाले समय में चाहे दिल्ली में चुनाव हो तो दिल्ली में भी एक साथ ये गठबंधन से लड़ेंगे, इसके बाद अगर पंजाब में अगले चुनाव होंगे तो उसमें एक साथ लड़ेंगे। क्यों जरूरी ये है कि ये हरियाणा में बेशक कांग्रेस पूर्ण बहुमत से अपने आप को सरकार बनाने का दावा कर रही हो, लेकिन उसके बावजूद जब आम आदमी पार्टी के साथ वो मिलकर चुनाव लड़ेंगे तो जरूर वोट बैंक में भी इजाफा होगा और एक साथ चुनाव लड़ने से मजबूती भी होगी। बिल्कुल, और यहाँ पर आप सीटों पर अगर बात कर लिया जाए गुलशन, क्योंकि 59 सीटों पर उम्मीदवारी पक्की बताई जा रही है कांग्रेस के द्वारा और 31 सीटों पर अभी भी चर्चा की बात सामने आ रही है, तो क्या समझा जा सकता है गुरुवार का जो समय यहाँ पर दिया गया है लिस्ट जारी करने को लेकर, एक ही साथ पूरी लिस्ट आ जाएगी या फिर टुकड़ों में लिस्ट कांग्रेस जारी करती नजर आएगी उम्मीदवारों को लेकर? देखिए, हमारी जानकारी के अनुसार 2 सूची में जो है उम्मीदवारों की लिस्ट आ सकती है, क्योंकि पहली सूची में जो कल जो सूची आने की संभावना बताई गई है कि कल सूची 1 आ सकती है, क्योंकि प्रदेश प्रभारी दीपक बावरिया की तरफ से जो कल भी बयान आया था और उससे पहले भी जो बयान आया है उसमें लगातार जो 2 दिनों की बैठक हुई है, एक बैठक में 32 सीटों पर मोहर लगी थी और दूसरी कल की बैठक में 34 सीटों पर मोहर लगी, यानी 66 सीटों पर प्रदेश प्रभारी दीपक बावरिया की तरफ से जो बयान आया था कि 66 सीटें फाइनलाइज हो चुकी है। लेकिन अब एक जानकारी और सामने आई, जैसा आपने भी जानकारी दी कि 59 सीटें पर जो है उम्मीदवार तय हो चुके हैं और अब बाकी जो सीटें हैं 31 सीटें उन पर उम्मीदवार फाइनलाइज होने हैं। अब ऐसे में जब आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन होगा तो जो 31 सीटें जो बाकी अब रह गई हैं उन सीटों पर विचार विमर्श किया जाएगा और कौन कौन सी सीटें फाइनलाइज हो सकती है। ये हमारे सूत्रों के हवाले से खबर ये है कि जो पंजाब के लगते जो बॉर्डर पर जो हरियाणा की विधानसभाएं हैं, चाहे हम कुरुक्षेत्र की बात कर लें या अंबाला के सीटों की बात करें या सिरसा की सीटों की बात करें, क्योंकि कुरुक्षेत्र लोकसभा, अंबाला लोकसभा और सिरसा लोकसभा, ये 3 लोकसभा ऐसी हैं जो कि पंजाब बॉर्डर लगते इलाकों में जो विधानसभा हरियाणा की पड़ती है, तो वहां से भी कुछ सीटें जो है आम आदमी पार्टी को मिल सकती है। इसके अलावा ऐसा भी जानकारी मिल रही है कि दक्षिणी हरियाणा से भी 1 या 2 सीट फाइनलाइज हो सकती है। अब ऐसे में जब रिपोर्ट जो आएगी उस आधार पर ये फैसला होगा कि कौन कौन सी सीटें जो है उनको दी जा सकती है, लेकिन ये जरूर कह सकते हैं अब हम कि हरियाणा विधानसभा का चुनाव आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन में हो सकता है, क्योंकि जब राहुल गांधी के इनपुट के आधार पर अब हाईकमान जल्द ही ये फैसला लेने वाला है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक साथ चुनाव लड़ेंगे। चलिए, आपको बहुत शुक्रिया गुलशन, ये तमाम जानकारी विस्तार से साझा करने के लिए।